हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा क्लास है 19th और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं कुछ एक छोटा सा एक टेस्ट की तरह। आप मान सकते हैं एक टेस्ट है आप लोगों के लिए। शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के होंगे एंटोनिम से, जिन्हें हम अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद फिर 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे वर्ब टेंसेज से, और फिर अगले 5 क्वेश्चन होंगे क्वांटिफायर से, जो बताता है क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को कितना इंग्लिश अभी आप कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा है वुड इज ओपेक बट ग्लास इज। 4 ऑप्शन है, हार्ड, स्मूथ, सॉफ्ट या ट्रांसपेरेंट। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप अपनी कॉपी या कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें, या फिर अपने मन में सोच के रखें इसका जवाब आपका क्या है। मैं भी इसका आंसर बताया करूंगा ताकि आप आइडिया लगा सके कि आप इनमें से कितने सही कर पाए। वुड इज ओपेक बट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तो करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। ओपेक क्या होता है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, लेकिन ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं। तो यहां पर इसका जो अपोजिट बना वो बना ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वुड क्या होता है, हम कोई भी लकड़ी होती है, क्या हम उसके आर पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते, लेकिन ग्लास के कांच के आसपास देख पाते हैं ना, तो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक दीज स्टेल बंस अवे एंड ब्रिंग द डैश वंस। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर आपको मतलब पता होना चाहिए स्टेल क्या होता है। स्टेल होता है बासी, कि जो ये बासी बंद है, बंद को बोलते हैं बंद वगैरह आप, या फिर जो खाते हैं ना, जो उसके साथ चाय वगैरह के साथ खाते हैं उसे बंस वगैरह बोलते हैं। ठीक है, इन बासी बंस को लेके आओ, ले जाओ, एंड ब्रिंग द कैसे, न्यू वंस, फ्रेश वंस, गुड वंस या स्वीट वंस। तो बासी ले जाओगे तो कैसे लेके आओगे, ताजे लेके आओगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रेश वंस। टेक दीज स्टेल बंस अवे एंड ब्रिंग द फ्रेश वंस। नेक्स्ट है, नेवर नेग्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ एल्डर्स, रेदर ऑलवेज डैश देम। तो यहां पर पूछा गया है, जो बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके विचारों को, उनको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, फॉलो, चेरिश, प्रेज या ग्रेस्प, बताइएगा। नेवर नेग्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ एल्डर्स, रेदर ऑलवेज फॉलो देम, रेदर ऑलवेज फॉलो देम, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवियर इज ऑलवेज बेटर देन, बताइएगा, सेवियर इज ऑलवेज बेटर देन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बचाने वाला हमेशा किससे अच्छा होगा, बताइएगा, सेवियर इज ऑलवेज बेटर देन। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। सेवियर इज ऑलवेज बेटर देन टॉर्चरर, रिडीमर, एग्जीक्यूशनर या फिर डिस्ट्रॉयर, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा, बिल्कुल सेवियर, बचाने वाला किससे होता है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होता है किसी को मारना वगैरह करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, तो सेवियर इज ऑलवेज बेटर देन एग्जीक्यूशनर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आई नेवर ड्राइव टू वर्क, आई डैश वॉक, मैं कभी भी काम पर ड्राइव करके नहीं जाता हूं, बट कि आई डैश वॉक, आई ऑलवेज वॉक, मैं हमेशा चल के जाता हूं, सेल्डम, कभी कभार, ऑफन, समटाइम्स, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, जो होगा ऑलवेज, मैं हमेशा चल के जाता हूं। नेक्स्ट, नेचर टीचेज अस नॉट टू डिस्ट्रॉय, प्रकृति जो है हमें क्या सिखाती है, टीचेज अस नॉट टू डिस्ट्रॉय, हमें विध्वंस करना नहीं सिखाती, बट क्या सिखाती है, हमें सिखाती है बट टू क्रिएट, हमें डिस्ट्रॉय, विध्वंस करना नहीं सिखाती, बल्कि हमें क्रिएट करना सिखाती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्रिएट इज द करेक्ट आंसर। समझ आया किसी को कोई प्रॉब्लम, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अब आपको वर्ब्स फिल करनी है, जैसे सेंटेंस वगैरह पूछे जाते हैं, आपका सेंटेंस भी आएगा एग्जाम में, कैसे फिल करेंगे। आई डैश टू दार्जिलिंग लास्ट ईयर विद माई फ्रेंड्स, आई डैश टू दार्जिलिंग लास्ट ईयर विद माई फ्रेंड्स, तो मैं दार्जिलिंग गया था कब, लास्ट ईयर, तो क्या आएगा यहाँ पे, गो, गोन, गोज, तो यहाँ पर आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आई वेंट, गो, आई वेंट टू दार्जिलिंग लास्ट ईयर विद माई फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सी डैश नॉट सोल्व दिस सम येट, उसने, येट मतलब अभी तक, उसने इस सवाल को अभी तक सोल्व नहीं किया है, तो क्या आएगा, सी हैज नॉट सोल्व दिस सम, हैज क्यों आया है, क्योंकि सिंगुलर है और प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि अभी तक मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैव नहीं आएगा, हैव प्लूरल के साथ आता है, हैड पास्ट में आता है, और इज कंटिन्यूअस के साथ लगता है, क्लियर हुआ, तो यहां पर आएगा हैज। नेक्स्ट है, सी डैश टू ऑफिस बाई बस, सी डैश वो ऑफिस जाता है किससे, गो, वेंट, गोन या गोज, बताइएगा, सी
डैश गो सी डैश टू ऑफिस बाय बस, तो यहां पर आएगा ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू सिंगुलर की बात है, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ई आई एस लगेगा अगर सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर हो, तो ही गोज टू ऑफिस बाय बस, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है माई मदर डैश इन कॉलेज, तो मेरी माँ कॉलेज में क्या करती है, माई मदर टीच इन कॉलेज, माई मदर टीचेज इन कॉलेज, माई टॉट इन कॉलेज या टीच्ड इन कॉलेज, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माई मदर टीचेज इन कॉलेज, मेरी माँ जो है वो क्या करती है, पढ़ाती है कॉलेज में, ठीक है, और माँ क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर टीचेज आएगा, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब अगले वर्ड पर आते हैं, अगला वर्ड है द चाइल्ड हैड बीन, द चाइल्ड had been weeping for an hour when his father, ये वाला कार्ड दो आगे, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको भरना है क्या फिल करेंगे, the child had been weeping for an hour when his father came, reach or arrive, बताइएगा यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा when his father came, पहला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, पहला है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो लास्ट का किस में बोलेगा, पास्ट when his father came, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आपको क्वांटिफायर्स फिल करने हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताए, वेरी डैश पीपल फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज होने के लिए बहुत कम लोग, तो वेरी क्या आएगा, लिटिल, वेरी मच, वेरी मैनी या वेरी फ्यू, तो मच और मैनी तो कोई, वेरी लिटिल भी नहीं होगा ना के बराबर, तो वेरी फ्यू, कुछ लोग ही गए, बहुत कम लोग जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से क्या गए, कहीं और गए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा फ्यू। नेक्स्ट, जोनी इज अ कीन प्लेयर, जोनी कीन होता है इंटरेस्टिंग, जोनी इज अ कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज डिसेबिलिटी, वो एक मजाक करने वाला खिलाड़ी तो है, कीन प्लेयर है, इंटरेस्टिंग प्लेयर है, लेकिन उसके पास बहुत कम, बहुत ही कुछ एबिलिटीज है, बट ही हैज फ्यू एबिलिटीज, नन नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, तो यह आएगा बट ही हैज फ्यू एबिलिटी। नेक्स्ट, इफ यू डोंट मेक अ मूव वी विल मिस आवर कनेक्शन टू म्यूनिक, दिस इज नॉट डैश टाइम टू वेस्ट, ठीक है, अगर आप कोई मूव अभी नहीं लेंगे तो म्यूनिक से आप अपना कनेक्शन खो देंगे, और ये वो सही टाइम नहीं है, तो देयर इज नॉट एनी टाइम टू वेस्ट, जिन लोगों ने बी बोला उनका सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गोट डैश टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गोट मच टाइम, मेरे को उतना समय नहीं मिला टीवी देखने के लिए, तो मच आएगा, मच टाइम, फ्यू नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, लिटिल, तो करेक्ट आंसर होगा मच टाइम, आई हैव नॉट गॉट मच टाइम फॉर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट, यू कैन बाई दीज मैप्स एट स्टेशन, दे ऑल हैव देम, तुम इन जो मैप है, जो ये मैप्स है, मानचित्र है, तुम इन्हें स्टेशन पर खरीद सकते हो, क्योंकि ये सब जगह मौजूद है, तो कहाँ पर आएंगे, एट एनी स्टेशन, किसी भी स्टेशन पर तुम इन मैप्स को खरीद सकते हो, क्योंकि ये सब पर क्या है, प्रेजेंट है, सब स्टेशन पर आप मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो क्या बोलते हैं, अरे यहाँ से नहीं मिला तो आगे से ले लेगा, हर एक स्टेशन पे मिलता है, तो वहाँ पर क्या होगा, यू कैन, दे ऑल हैव देम, यू कैन बाई देम फ्रॉम एनी स्टेशन, क्या आएगा, एनी स्टेशन। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा टेस्ट, अब आप लोगों ने इन 15 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया बताइएगा ज़रूर, मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।